लेकिन अनशन भी जब तक बरकरार है ना, जब तक ये लोग हमारे अधिकार देना देंगे, चाहे अभी तक हमारे 18 किसान बैठे हैं, बाकी जितनी मात सकते हैं सब अनशन पर बैठने के लिए बिल्कुल तैयार। आपको पर भी कई केस हो गए हैं, सुनने में आ रहा है। केस होने दो भाई, केसों से कोई नहीं डरता, जब तक अपने अधिकार है उनकी लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे एक की जगह 1000 केस क्यों ना लगा दें, हम तैयार है। जेल भरो आंदोलन हम करने के तैयार है, चाहे हमें कितनी बार जेल में डाल दें, हम जेल जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, पूरी मात्र शक्ति जेल जाने के लिए तैयार है। बात मान क्यों नहीं रहे हैं? भ्रष्टाचारी लोग हैं इसलिए नहीं मानने, भ्रष्टाचार फैला हुआ है। जाके हॉस्पिटल में देख लो, ना तो ढंग से कोई इलाज कर रहे हैं, जाके अथॉरिटी में देख लो, अगर जो पैसे दे देगा उसका इलाज कर रहे हैं, अपने निजी अस्पताल बना रखे हैं, निजी लोगों ने ऑफिस बना रखे हैं, जो काम इन्हें यहाँ सरकारी करने चाहिए वो लोग अपने प्राइवेट काम कर रहे हैं पैसे ले लेके, सब भ्रष्टाचार फैला रखा है इन लोगों ने। आपकी लड़ाई सरकार से है, नोडा प्राधिकरण से? हमारी लड़ाई सरकार से है, और सरकार भी तो जो सरकार के अंडर में नोडा प्राधिकरण है वो उसके दबाव में तो काम नहीं कर रहा। भ्रष्ट भाजपा ही बैठे हैं, जितने भी नेता बैठे हैं सब भ्रष्ट बैठे हैं, जितना भी देख लो। जाके हमारे नोएडा के विधायक है, क्या एक बार भी किसानों के बीच में आए? अरे किसान उनके दरवाजे पे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या नेता है वो? आप सांसद के यहाँ भी गए हैं, विधायक के यहाँ भी गए हैं, अधिकारियों के यहाँ भी गए, लेकिन मांगे तो नहीं मानी जा रही आपकी? आश्वासन तो दे ही रहे हैं, डर तो उनके अंदर है ही कि हाँ जी किसान कभी भी हल्ला बोल सकते हैं, और इस कगार पर वो इतने डर चुके हैं कि वो हमारे जितने भी अधिकार हम मांग रहे हैं उनको देखना ये वो मिलने ही मिलने हैं। आचार संहिता लगने वाली है चुनाव की? अब कुछ भी लग जाए, आचार संहिता लग जाए, जितने भी हमारे अधिकार है हम बिना रुकेंगे नहीं, हम अपने वादे में पूरे बैठे हैं। हम 5 मांग जो है हम लेके रहेंगे अपनी। कौन कौन सी 5 मांग? 5 मांगे 10% घरों पे वो लग रहा है, 10% अधिकार, 5% के प्लॉट और 10% के प्लॉट और हाँ मुआवजा, ये हमारी 5 मांग है, ये इम्पोर्टेंट मांग है हमारी, इनसे हम पीछे नहीं हटेंगे। नौकरी वोकरी मिली बच्चों? नौकरी कुछ भी नहीं मिला, घर तो हमारे है नहीं, नौकरी कहाँ जाएगी? नौकरी है कुछ है? इसमें बेरोजगारी, शिक्षा, महंगाई, इसके अलावा जनता को कुछ नहीं दिया, सिर्फ अपनी जेब भरी है, महंगाई करी है, पब्लिक को इस कगार पर लाके खड़ा कर दिया है कि पब्लिक आज दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर है या आत्महत्या करने पर मजबूर है। किसान 700 किसान मर गए बॉर्डर पर, जब चुनाव आए जब ही कि उन्होंने 3 प्रस्ताव पास किए, पहले क्यों नहीं किए बताइए उनके? क्या ये भी तो राजनीति चल रहे हैं लोगों पे, राजनीति चल रहे हैं लोगों को, राजनीति चल रही है, उनकी जान की कीमत नहीं लगा रहे, वो अपने वोटों की कीमत लगा रहे हैं कि हम हार जाएंगे अगर हम, तो क्यों कर दिए पहले उन्होंने? अगर जो 3 उनके मुद्दे थे वो प्रस्ताव थे पहले ही पास क्यों नहीं किए? उनकी चाल है ये सब। कुछ लोगों को तो मिल रहा मुआवजा, कुछ को नहीं मिल पा रहा। हाँ ये तो है भाई, अभी किसी को जो मिल से लिखवा के ले आया, जिसका मंजूर हो गया उसको तो मुआवजा दे दिया, जिसमें 5 पॉइंट है एक घर में, 5 पॉइंट 3 को मिला नहीं 2 को मिलगा, ये कौन सी कानून है? आधी में लिख दिया कोर्ट ने, तो आधी में तो जो बाकी है उनको तो देना चाहिए था ना, देने चाहिए था, ये हमारी लड़ाई है। कई बार तो बातचीत हुई, अधिकारी क्या कह रहे हैं? आप अधिकारी वही मीठी गोली दे रहे हैं कानों सुनी कि होगा आपका काम, होगा आपका काम होगा, लेकिन काम करने के तौर पे तरीके से कोई नहीं आगे आ रहा कि हाँ जी काम हो चुका है, लेकिन हाँ होगा आश्वासन समझ रहे करने का कोई वो नहीं कि हाँ जी 5% रह रहो, 10% रह रहो, अब यहाँ छोटे पड़े अपने बालकनों का पड़े, अरे जमीन तो तुमने ले ली, हमारे बच्चे क्या खाएंगे? 4 महीने हो गए माँ जी, आप क्या खाएंगे हमारे बच्चे? ना 5% दे रहे, ना 10% दे रहे, 11 जमीन आपने ले ली, बैठे कोई भी अधिकारी नहीं आए और क्या कर रही है? मुकदमे दर्ज कर रही है पुलिस आप लोग? हाँ कर रही है, खुद कर रही है। भेज रहे हो मोदी योगी के पास, भेज रहे हो कुछ? हम तो कोशिश कर रहे हैं, क्यों क्यों नहीं सुन ले रहे? मैं आपके जरिए जो हमारे विधायक जी बैठे हैं पंकज सिंह जी, जो हमारे MLA हैं महेश शर्मा जी, उनसे ये बताना चाहती हूँ, अब तक तो वो जीत चुके थे पब्लिक को, लेकिन अब पब्लिक जागरूक हो चुकी है, समझ चुकी है, जो भी लोग उनके काम आएगा वो उसको ही जिताएंगे, उसका ही चुनाव लड़ाएंगे, बाकी नहीं तो पब्लिक चाहे, अगर उन्हें लोकतंत्र लाना है, पब्लिक लोकतंत्र से रही है, लोकतंत्र ही रहेगी, फिर कोई भी सरकार आएगी तो पब्लिक सपोर्ट किसी को करेगी नहीं, सरकार से लोगों का इतना विश्वास उठ चुका है। इस भाजपा आंदोलन चल रहा है, इसका राजनीतिकरण हो गया है, कई लोग आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं। देखिए वो नेता राजनीति करने नहीं आ रहे, वो नेता आ रहे हैं मैं सपोर्ट करने के लिए, वो एक किसान के बेटे भी हैं राजनीति से पहले, ये नहीं है कि वो राजनीति यहाँ करें, वो एक किसान के बेटे हैं, वो उस हक से यहाँ पे किसान बन के आ रहे हैं और हमें समर्थन देने के लिए आ रहे हैं, वो कोई राजनीति नहीं चल रही, वो हमारे हित में आ रहे हैं। सरकार किसानों के भले के लिए कोई काम नहीं कर रही, बिल्कुल नहीं कर रही, किसानों को उसे कुछ
समझ ही नहीं, वो ऐसे समझ रहे किसान तो चीटी भर है, क्या फर्क पड़ना है, हम तो शहरी वोटों में जीत जाएंगे, लेकिन उन्हें हम 81 गाँव ये दिखा देंगे कि बिना 81 गाँवों के वो सरकार ला नहीं सकते। वो भाजपा अगर जहाँ भी रैली निकालेगी वहीं जाके हम रुकाव करेंगे, जितनी भी हमारी महिला शक्ति आगे खड़ी मिलेगी और उन्हें रैली निकाले नहीं देगी। बीजेपी का विरोध करोगे? बिल्कुल करेंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी बीजेपी को हम पूरा पूरा विरोध करके चलेंगे हर जगह पर। आपको नहीं लगता ये आश्वासन नहीं दे रहे हैं, आपका समय टाइम पास कर रहे हैं? देखिए आज का टाइम और इन लोगों को दिया गया, मीटिंग हो रही है, इन्होंने ड्राफ्ट तैयार कर दिया है, उन ड्राफ्ट में हमारी कितनी डिमांड पूरी हुई है वो आज हम देख लेंगे, उसके बाद आगे का कदम रखा जाएगा। लेकिन आपने मतलब अधिकारी में ताले लगा रखे हैं, अधिकारी काम नहीं कर पा रहे, कैसे काम होगा? देखिए अधिकारी अपना काम कर रहे हैं, सब जो चुटके कर रहे हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, कोई इसमें किसी का काम नहीं रुका हुआ। काम नहीं होगा तो उनका कैसे होगा? इतने बोर्ड पर लिख के नहीं देंगे, इतना कोई विश्वास नहीं है किसी का भी। समस्या तो बहुत पुरानी है, समस्या पुरानी है तो अब ताजा करनी पड़ेगी ना। समस्या को हम भी समझ रहे हैं कि लोगों को परेशानी हो रही है, हम भी मान रहे हैं, रुक जाओ ना, इस समस्या को हम भी समझ रहे हैं कि हम जैसी आम पब्लिक ही परेशान हो रहे हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है हम लोगों की, क्योंकि हम भी अपने बच्चों को अपने घरों को छोड़ गया बैठे अपने हक की लड़ाई के लिए, अगर हम अभी सब जनता को जागरूक नहीं करेंगे तो हमें समर्थन कैसे देगी? बात अधिकारियों के हाथ में या अथॉरिटी में या फिर ये लखनऊ से होगा ये सीधा मामला? ये देखे ये सीओ मैडम के हाथ में है, अब पीछे से पास हो चुका है लखनऊ तक, ये अगर ये पहुँचाएंगे लखनऊ तक पहुँचा ही नहीं रही है तो बताओ कैसे हो जाएगा, इसका निवारण कभी नहीं होगा। अभी क्या तैयारी अब आगे की? 4 महीने तो हो गए आप लोगों को तैयारी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि पीछे वो बन चुका है हमारा डिमांड, जो ड्राफ्ट है वो बन चुका है, वो अब पीछे से डिक्लेयर होगा, उसमें क्या उन्होंने हमारी डिमांड पूरी करी है वो आके हमें बताएंगे सुधीर भाई, तब आगे कुछ निष्कर्ष निकलेगा उसमें क्या है क्या नहीं। लखनऊ भी गए थे कई बार मिलकर आए हैं सीएम साहब से, अधिकारी नहीं भेज रहे भाई, ये तो बीच में काट नहीं भेज रहे, ये मिलके भी आए लखनऊ भी गए हैं, जो सीएम साहब वो उनसे नहीं मिले हैं, पीछे के जो लोग हैं वो सीएम तक बात जाने नहीं दे रहे हैं, बीच बीच में ही बातों को रोक रहे हैं। बबली जी, लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री भी आए हैं, प्रधानमंत्री भी आए हैं गेट नोएडा में, जब एयरपोर्ट का उन्होंने शिलान्यास किया था, तो आपको बता रहे हैं उन्होंने पुलिस लाइन पर रातों रात हमें धरना के आंसर में हम लोगों को रातों रात उठवा लिया गया, किसानों को वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया जहाँ पे वो लोग थे, बताइए पुलिस लाइन में अभी हमारी कहाँ की पुलिस लाइन लगती है, सूरजपुर की लगती है, और हमें कहाँ पहुँचाया गया, गाजियाबाद, बताइए, तो इनका मकसद तो यहाँ देखिए, इन्हें धोखाधड़ी और ये भ्रष्टाचारी तो इनकी नस नस में भरी हुई है कि लोग वहाँ तक पहुँचे ही ना, किसान वहाँ तक पहुँचे ही ना, इसलिए उन्होंने हमें वहाँ पे हमारी समस्या आगे नहीं जा रही है। आप वो एमपी एमएलए का घर जब घेरने जाते हो तो बताते नहीं आगे? नहीं बताते, वो हमें तो आश्वासन दे देते हैं कि हम बताते हैं, लेकिन आगे वो कोई रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। एक तो 10%, 5%, 64%, हाँ जी, ये 3 मांगे आप जी, बिल्कुल 5 मांगे, एक आबादी घरों पे जो अधिकरण लगा हुआ है वो हटा दिया जाए, 65% जो हमारा मुआवजा है वो 64% जो मुआवजा है वो हमें दे दिया जाए, 10% के हमारे जो प्लॉट रुके हैं वो दे दिए जाए, और जो हमारे जो कॉमर्शियल जो हमारे मकानों पर लगाते हैं वो हटा दिया जाए, जिससे हम अपना जितना भी अपना बिजनेस अपने बच्चों, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि लोकल बंदों को ड्यूटी नहीं मिल रही है, तो कम से कम हमारे बच्चे बिजनेस तो करेंगे, और अगर हम जो छोटा भी एक बिजनेस खोलते हैं उसमें कॉमर्शियल कर देते हैं कि भाई कॉमर्शियल। आप लोग अनशन पर बैठ रहे हैं, उनकी हालत खराब हो रही है हॉस्पिटल में कहीं किसान, देखिए हालत खराब हो रही है, लेकिन कोई भी अभी अपने आत्मविश्वास सब बैठे हुए हैं, किसी का भी आत्मसम्मान झुका नहीं है, जब तक उन्होंने बोल दिया जब तक हमारी लड़ाई पूरी नहीं होगी, जब तक हम अनशन पर बरकरार रहेंगे, और हम भी अपनी इस मातृशक्ति के साथ हैं, अगर हमें भी अनशन पर बैठना हो तो हम मातृशक्ति उनके साथ भाइयों के साथ अनशन पर बैठेंगे। सरकार ने कोई काम ठीक किया नहीं जाते? बिल्कुल नहीं किया, ये सरकार इतनी भ्रष्ट आई है, इसने सिर्फ बता रहे हैं कि महंगाई के इतना देख लो आप, महंगाई कितनी बढ़ चुकी है, जाके घर के एक महिला को काम तो इन्हें करा है, लेकिन हमारा किसानों के बारे में अब नहीं कुछ नहीं सोच रहा। क्या काम करा बताओ? ये जेवर का वो बना दिए, एयरपोर्ट बना दिए, और गरीबों के लिए वो बना दिए घर, रेगिस्तान में जाके देखो कैसी सुविधा दी है। तुम तो यहाँ रहो यूपी नहीं, हम लोग ना क्या दिया ना कुछ भी, भाई हमारी जायदाद जो बेच के हो जा रही है ये विधायक क्यों भैया? अब आंदोलन और चलेगा आगे तेज? बिल्कुल भैया बिल्कुल चलेगा आंदोलन, जब तक बरकरार रहेगा, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक चलेगा। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, अपना हक लेकर आएंगे, अपना हक लेकर आएंगे, अपना हक लेकर आएंगे, जमीन हमारे आपकी नहीं किसी के बाप की, जय जवान जय किसान। बस